मुख ओचन होत
सद के संग
नानक
साध में संद नकद हूं धाम साध के संद नकद हूं धाम साध संग अस्थित मन पावे साध संग अस्थित मन पावे साध के संग माया के ठिन साध के सुन मीता नानक बिन मंता सुन मीता नानक बिन मंता साध जना के अचरज कथा जो जो कहे सुमुख न हो सुन मीता नानक बिनवंता सुन मीता नानक बिनवंता साध जना के अचरज कथा साध के संग मुख उज्जल हो साध संग मन सगली खो साध के संग मिटे अभमान साध के संग प्रवेश हो गया साध के संग तुझे प्रभु मेरा साध संग सब हो तन मेरा साध के
जतन। साज की महिमा बरने कौन परानी, साज की महिमा बरने कौन परानी, साध की महिमा गुणा दी। कोई बंदा किसी वेले लिस्ट बनाने लगे कुछ लफ्जां तो बाद वो लिस्ट मुक जाती है। मनुख कितना भी सियाना हो गए कितना भी गुणवान हो गए कितने ही उदे कोल हुनर होन आर्ट होन उस मनुख दे कोल, पर जदों उस्तत करन लगी है ना उसने चंद कु लफ्जा तो बाद उसकी उस्तत मुक जाती खत्म हो जाती। उदा पता है कारण की है? कारण कारण उसका यह है क्योंकि मनुख दे विच किधरे ना किधरे कोई ना कोई भुल खलोती है, किसी ना किसी रूप अंदर किसी ना किसी जगह से मनुख के अंदर कोई ना कोई भुल जरूर खड़ोती हुई हमेशा। तो इस करके सतगुरु पातशाह महाराज जी ने एक वचन आख्या, कह लगे भुलण अंदर सब जितना भी संसार ओदे विच कोई गुणवान होवे वो भी भुल सकता है, कोई धनवान होवे वो भी भुल सकता है, कोई बुद्धिमान हो वो भी भुल सकता है। ते जेड़ा भुल सकता हो वे उदी उसत की करेगा बंदा, जेड़ा भुली गया उदी किसके नहीं उसत की जा सकती है। आखिर उस थान के उत्ते आके ये आखना ही पवेगा कि इस थान के उत्ते आ भुल हुई है। ते इस गल तो संसार का कोई भी बड़े तो बड़ा जीव जड़ा है वो खाली नहीं, केवल ते केवल दो जगह वास्ते सतगुरु पातशाह जी ने अभुल लफज वरते। भुलण अंदर सब को सारी दुनिया ने एको लफज वरत दिता साझा। जो हुण महाराज कोई भुल भुल तो रहत भी है कोई, जे सतगुरु पातशाह जी ने अगली पंक्ति के अंदर दोवां का जिक्र करता कहिंदा अभुल गुरु करता, एक गुरु भुल है एक करतार भुल। इस करके जेड़ा अभुल होवे महिमा भी उसे हो सकती है ना, महिमा किसी भुलण वाले की थोड़ा की जा सकती। इस करके इस पवित्र बावन अष्टपदी की आरंभता अंदर जिहड़ी सतवीं अष्टपदी आप जी दे गुजरे में पढ़ी है, पहले दो पद पढ़ के सुनाए तो सलोक नाल पढ़िया। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी आदि ने वो अकाल पुरख वाहिगुरु जड़ा अगम अगाल पार ब्रह्म सोए जो जो कह सो भुगता होए। जेड़ा पार ब्रह्म अकाल पुरख वाहिगुरु है वो अगम है, अगम कहते ने जिहड़ा साडी बुद्धि की पहुंच तो परे हो गए जिहनूं साडी बुद्धि पकड़ ना कर सके। अगाध उसनूं आखदे ने जिसका कोई अंत पारा वार नहीं पाया जा सकता, जिहदी कोई गिणती मिणती कोई किसे पासों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी ना मिट सके। बंदा दो चीजां पकड़ करदियां ने, एक बुद्धि पकड़ करती है एक साढ़े ज्ञान इंद्रिय पकड़ करते हैं। जेड़ा ज्ञान इंद्रिया की पकड़ में नहीं आता बुद्धि की पकड़ में नहीं आता वो अकाल पुरख वाहिगुरु की है। कहना अगम अगाध पार ब्रह्म सोए
ऐसे अकार प्रभु वाहेगुरु नु जेड़ा जो जो कहे सो मुक्ता होए। कहने सुन मीता नानक बिन मंता। कहने नानक बेनती करता है, नानक तेनू हे मित्र बेनती करता है। हुण कहने साध जिन्ना की अचर जी कथा ऐसे जिहड़ा साध लफ्ज़ वरते है ना सतगुरु पातशाह जी ने पारमन वास्ते जिहड़ा उपर कहते ना जिहड़ी अगाध कथा सुनने वास्ते आके जिस मालिक की अगाध कथा सुनने की है जिस मालिक ने आख्या कि वह अगाध पुरख है अगम अगाध पार ब्रह्म सोएगो की पहला सिफत की है वह नाम लिया पै तो उसका नाम लैके हूँ आख्या कह लगे सुन बीता नानक बिरबंता। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी की अचरज कथा हम बंदे की अचरज कथा नहीं हो सकती। बंदे की अचरज कथा जी है थोड़ी जी लफ्जों को बाद खत्म हो जाती है। इतने वे ग्रंथ भरे हुए हैं दुनिया भर के परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की कथा को मुक नहीं गई तो ना मुक जानी है। उस अकाल पुरख वाहिगुरु के गुणा का ना कोई किसी वेले पारा वारा पाया जा सकता है ना उसकी कीमत अदा की जा सकती है ना उसके गुणा की गिणती की जा सकती है। इस करके इतने जोड़ा है लफ्ज वरते हैं ना अष्टपति के आरंभ का अंदर श्लोक अंदर परमेश्वर लिखते हैं भाई साहब भाई काम सिंह जी नाभा जिन्होंने गुरु शब्द रत्नाकर महान कोश लिखे है बड़े बड़े आकार की पुस्तक लिखी है उन्होंने ग्रंथ लिखे और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे ने गुरमत मारकंड गुरमत सुधाखर महान कोश और होर कई उन्होंने पुस्तक लिखिया ने और उन्होंने एक एक पुस्तक जी है इस वक्त अज सिख धर्म के अंदर अपना एक स्थान रखती है रेफरेंस बुक्स के तौर पर वो सारिया किताबा वरतिया जा जितने अजकल स्कॉलर जितने पीएचडी करते हैं जो भी जितनी बड़िया बड़िया डिग्रियां लैन वाले ने ना उन्होंने पुस्तकों का हवाला अपन लेखा में देते हैं अपन थीसिस भी देते दे। और डिग्रियां प्राप्त करते हैं। मैं इस करके एक गल तुहाडे नाल साझी कर रहा भी तां कि सानू भुलेखा ना पवे भी अवे पता नहीं है साढ़े वर्ग ही होना इतने करता यदि गल कर रहे हैं। भाई कान सिंह जी नाभा ने साध अखर के अर्थ किए हैं उन्होंने जो साइक्लोपीडिया लिखे है जिसनों महान कोश आखते हैं अजकल तो इंटरनेट से सब कुछ मिल जाता है जिन्हों दिनों असी पढ़ाई शुरू की थी बड़ी औखिया पुस्तक मिलती सन छपाई घट होती सी खर्चे बद सन एक एक पुस्तक लैन वास्ते सारा सारा दिन बाजार खरीदे रहता सी सारा दिन बाजार खरीदे सन तो आखते सर जी आउट ऑफ स्टॉक मिलती नहीं छप नहीं रही दोबारा मुड़ के बड़ी मुश्किल नाल ये महान कोश मैं तो जो मैं इस लभण की कोशिश की अच्छ तो 40-45 साल पर बड़ी औखे होकर मिले भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा साध अखर के अर्थ करते वो लिखते ने कहते ने जो पराए कार्य करन सिद्ध करन की समर्था रखता हो जो पराए कार्य करन दी सिद्ध करन दी समर्था रखता हो उपकारी जिन्हों उपकारी आखिया जाता है किसी पराया के कार्य सवार उपकारी हुण तुसीं इह गुण जिन्हां नूं असीं संत मन के साध मन के तुरदे आ ध्यान देना उन्हां दे गुणा वाले पासे भी ध्यान देना वो कहिंदे कि उपकारी ने जे एक उपकार करदे ने ते नाल 10 अवचार भी करदे ने उन्हां दे हर उपकार के पिछे कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ खलोता होंदा ज्यों ज्यों नजदीक होने की कोशिश करोगे ना किसी के नेड़े नेड़े जाने की कोशिश करोगे आ लगेगा जी आ बड़ा भारी उपकार हो रहा आ चीज़ बना रहे ने आ चीज़ बन रही है आ हो रहा आ हो रहा उसके पिछे जदों परदे के पिछे जाके वेखण की कोशिश करोगे तो परदे पिछे बड़ा कुछ होर भी हो रहा अज मीडिया का समय बड़ी जल्दी के नाल सब कुछ एकदम नशा भी हो जाता दूसरा गुण उन्होंने लिखे है दूसरा अर्थ नंबर दो वाक्य कहते उत्तम उत्तम तो भाव श्रेष्ठ सब तो उत्तम सब तो श्रेष्ठ हम सब तो श्रेष्ठ कौन हो सकता है जे मैं मित्र हाँ भी आ बंदा सब श्रेष्ठ है
ये मेरी सोच है ना, या ये मेरी देखने की निगाह है, या मैं इस तो अगे कोई वेखेगा नहीं इस गल की, जे इस तो अगे किसी ने वेखे होगा यह श्रेष्ठ नहीं वह श्रेष्ठ है, दूजा हो गया ना फिर, जे दूजे बंदे ने तीसरा वेख्या तो वह आखेगा यह नहीं श्रेष्ठ इस तो उपरे, हम गिनती कितने पकाओगे जाकर, इस करके गिनती जाके रब दी मुकेगी हूँ कितने नहीं मुक सकते, श्रेष्ठ उत्तम सब तो तीसरा गुण उन्होंने लिखे है मनोहर, मनोहर तो भाव सुंदर, दुनिया के अंदर बहुत लोग सुंदर ने, बड़िया कुछ सुंदरता का गुण मालिक ने दिता है, पर सारी सुंदरता कितों आई है, यह सारी सुंदरता किसी बंदे ने तो नहीं वंडी ना, जो किसी ने वंडी है तो जरूर मैं दस के जाए, जो कोई बंदा सुंदरता वंडन वाला है, सुंदरता वह बन सकता है जिसे अपने को सुंदरता है, तो वह सुंदर कौन हो सकता है, सतगुरु जी ने बाणी अंदर सुबह आख्या मेरो सुंदर कहो मिले कित गोले, मेरा सुंदर कान को वाहगुरु मैनू कि गुणा करके कितों मिले किमें मिले, मैं कहते उस वाहगुरु ने चौथा गुण उन्होंने आखिर मनोहर सुंदर, फिर उस तो बाद कहते कुल ही जिदी कुल दे नाल कोई ना मिलता हो, जिसकी कुल इतनी उच्ची हो उस दे नाल कोई कुल भी मेल ना खाती हो, कुल ही अगला गुरु पंजवां उन्होंने लिखा कहने योग लायक काबलीयत, बंदे की काबलीयत जी है ना सीमित है, कितना बड़ा हो बे, कितने गुणवान हो बे, कितना स्याणा हो बे, पर उसकी काबलीयत बेअंत नहीं हो सकती, उसकी काबलीयत सीमा में है, ये गल्लां सारियां करदे होइआं भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा ने अगे एक लफ्ज लिखे संगया, यह गुण लिख के ना अगे लफ्ज लिखे उन्होंने एक संगया, भी ये कौन हो सकता है, संगया लिखण तो बाद उन्होंने पता नाम की लिखे, वो कहते श्री गुरु नानक देव, भी आ जो संगया बनती है ना, ये जो जे गुण दसे ने यह जो संगया की है, मैं संगया तो भाव बराबरी जी ये जो बराबरी की है वह भी कौन है, वो अगे लिखते हैं कहते श्री गुरु नानक देव, दो रूप मैं थोड़े सामने रखे ने, एक गुरु नानक साहब पातशाह जी के पंजवें स्वरूप धन गुरु अर्जन साहब पातशाह जी आखते हैं कहते हैं अगम अगाध पार ब्रह्म स्वरूप, जिसनों आखिया कहते सुन मीता नानक बिनमंता साध जना की अचरज कथा, कहते उस साध की अचरज कथा जिहड़ा परमेश्वर है, ते दूसरे रूप अंदर गुरु साध है गुरु संत है, ते हुण उन्हां दी अगे कथा जिहड़ी है सारी अष्टपति विच बयान कीती है, इस करके सिख नूं इह भुलेखा नहीं पैना चाहीदा वी फलां संत है फलाना संत है फलाना साध है फलाना साध है, असीं इसे चक्कर दे अंदर बड़ा कुछ गवा बैठे हैं, बड़ा कुछ बर्बाद हो गया, इस करके सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी आखते ने कहते ने साध की महिमा परने कौन पराने, कहते उस मालिक की महिमा तो नहीं ना पढ़ सकता, बंदे की महिमा तो वरनी जा सकती है ना, बंदा कितना भी सियाणा है पहला बेनती की उसकी महिमा तो आखिर वरनी जा सकती है, उसकी महिमा किसी सीमा में है, पर जे ये आखिए कि साध की महिमा परने कौन पराने, तो फिर कौन हो सकता है, या परमेश्वर हो सकता है या फिर गुरु हो सकता है, इस करके गुरु ते परमेश्वर जड़े ने यही इस मार्ग इस गल के हकदार ने, और उही साडे वास्ते साध ने और उही साडे वास्ते संत, गुरबाणी के अंदर चार रूपां अंदर यह लफ्ज वरतिया गया है, और इन्हां बड़ी भारी साड़ी बदकिस्मती है कि सुखमनी साहब जी दी कुछ अष्टपदियां अंदर यह जो संत साध की महिमा आई है, इसनों
अपने वास्ते वर्तन वास्ते लोगों ने इतना पखंड रच दिता और इतना कोई कर दिता जिसका हिसाब ही कोई नहीं। इसलिए जी चुप कर कहना महाराज तेरे अशुपति पढ़ो महाराज जी तुम शांति निंदा करते हो वह भलिया अपने झोले के थले निगाह मार के वेख तेरे को संत वगैरह है कि चीज तू संत आख दे संत किसी भेख का नाम है मैं गोल बगड़ी है संत हम लंबा झोला पा लिया तेड़ पजामा या पेंट नहीं पाई या होर कोई बस्तर नहीं पाया कशहरा पाया ये मतलब संत है किसी भेख न संत नहीं मने गुरु ने इस करके संत नाम है साधना नाम चार रूपा अंदर कोई बेनती की किसी परमेश्वर ले गुरु ले तीसरा रूप है सत्संगत रूप सतगुरु पातशाह जी साध संत जी कह क्योंकि जिस वक्त गुरु की हजूरी अंदर सत्संगत रूप में कोई बैठा है तो उस वक्त नाल गुरु मिले हो जाए असं गुरु को बैठे हाँ गुरु शामिल है इस करके सत्संगत रूप अंदर सानू यह लफ्ज वरते हैं चौथी थां भी वरते हैं जी तेरा सोचना उन्हीं वरते हैं जेडे लोग इस गल की गलत वरतों करते हैं इस अखर का गलत नजायज फायदा लेंदे ने उन्होंने पता की वरते हैं उन्होंने भी शांति लफ्ज वरते हैं। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी ने मैं सारा शब्द नहीं पढ़ना थोड़े सामने सहज पाठ से इस वक्त भी करनी है सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी उन्होंने आदर कहते हैं हर के संत न आखिए बनारस के ठाकुर कहते इन्हों हरि के संत न आखो ये बनारसी ठगा वर्गे ने हूँ उन्होंने गिणती कितनी है इस करके हूँ क्योंकि जो अखा खोलिया ने सामने सूरज देखे इस करके साडे वास्ते बड़ा भारी रूप बन गया शब्द के विचार तो गिणिया हो के सिख ने अपने जीवन के अंदर उन्होंने ही अपना आशा मन लिया उन्होंने ही अपना सब कुछ मन के तुर पे जिसका सदका अज सिख धर्म के अंदर बड़िया भागिया नीवियां गल् हो गई ने इस करके सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी प्रमाण करते साध की महिमा मरने कौन मराने तो केवल एक रब है जिंदी महिमा नहीं बरनी जा सकती बंदे की महिमा तो बरनी जा सकती है वो बंदा कितना भी बड़ा होवे कितना भी सियाना होवे उहदी महिमा दे आखर कुछ लफ्जा तो बाद मुकी जाए इस करके सिख ने यह मन के तुरना है अपने मन के अंदर जिस वक्त यह मन के तुरंगे तो सानू किसी गल का भुलेखा भी नहीं पेगा और सानू कोई भरमा के किसी पास भी नहीं ले जा सकेगा सानू कोई किसी पास किसी गलत थान उत्ते किसी गलत पास सानू ले जाण तक किसी की दिया नहीं पै सकेगा क्यों क्योंकि असी इस गल नू तस्लीम करके तुर रहे हैं भी केवल तो केवल संत पार ब्रह्म काल को वाहिगुरु है या मेरा गुरु है बहुत सारी कृपा करो सतगुरु जी दवित्र मुबारक बाणी दक्तियां एक बार मैं फिर पढ़ लो कीर्तन की समाप्ति करते हैं कोई रसना खाली रवे सुन मीता नानक बिन बंदा सुन मीता नानक बिन I'm